राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तत्वावधान में सिंभावली और लोदीपुर बिजली घर पर चल रहा किसानों का क्रमिक अनशन रविवार को भी जारी रहा। अनशन का रविवार को नवा दिन है, लेकिन उनके क्रमिक अनशन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आह्वान पर चले अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन में लोदीपुर सोभन के ग्रामीण भी शामिल हुए। इस दौरान जयदेव गिरी, अतुल कुमार, तेज सिंह, राजबल सिंह, हंसबीर सिंह आदि ने संगठन की मांग को उठाया। किसानों का कहना है कि यदि संगठन के पत्र को संज्ञान में लेकर जिला गन्ना अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो वह 12 अगस्त को कार्यालय का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि गलत तरीके से बनाए जा रहे बिजली बिलों को ठीक कराया जाए, नलकूप को मुफ्त कनेक्शन दिए जाए। किसान मजदूर संगठन के तत्वाधान में ये क्रमिक अनशन धरना आज लोदीपुर सोमन बिजली घर पर नौवा दिवस है और सरकार को कितने तरह से चेताया गया, समझाया गया, अपने धरना प्रदर्शन के लिए, बाकी सरकार की तरफ से जो किसानों की मांग है बिजली के संबंध में और गन्ना मूल्य के संबंध में, गन्ना भुगतान के संबंध में और अन्य बहुत सारी मांग है किसान की, जिनके संबंध में वो रोज अनशन करके हम लोग बताते हैं और द्वारा भी ज्ञापन दिए जाते हैं। बाकी जरा सा भी किसी तरह का सरकार की तरफ से किसानों के प्रति कोई ऐसा रवैया नहीं है जिससे किसान ऐसा लगे कि हाँ हम भाई सरकार के कोई अंग हैं या सरकार हमारे साथ भी है। तो इस तरह की जो दुर्व्यवहारिक व्यवहार है सरकार का, ये बहुत निंदनीय है और घृणा करने योग्य है। तो इसलिए ये चाहे ये समझते रहें कि धरना ऐसे ही उठ जाएगा, ये क्रमिक धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक चलता रहेगा जब तक किसान की ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। इसलिए इस धरने का उद्देश्य हमारा कोई राजनीतिक नेतागिरी करना नहीं, केवल उद्देश्य है जो किसान की तकलीफ है बिजली के माध्यम से और अन्य जो दूसरे सरकार की अनियमितता है उनके माध्यम से जो किसान के लिए तकलीफ है, उन तकलीफों को कैसे दूर करें यह सरकार का अपना काम है और सरकार इस पर जरा सा भी किसी तरह से कसमस नहीं हो रही है। इसलिए ये जब तक हमारी ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम किसी भी कीमत पर इस धरने को अनवरत चलाते रहेंगे और किसान रोज बढ़ते रहेंगे, यही मांग हमारी बनी रहेगी निरंतर। जिंदाबाद।